प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली छावनी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी आतिथ्य श्वेता शर्मा प्राथमिक विंग की ओर से। आज की इस वीडियो का विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जब शब्द में प्रयोग हुए वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। हर शब्द में हर व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। यदि किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर ना लगा हो तो उसका अर्थ है कि उसके साथ अस्वर लगा हुआ है। जब व्यंजन को स्वर से अलग करके लिखा जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, क, जमा, अ। यहाँ क व्यंजन को जब अस्वर से अलग किया गया तो क के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया। आइए अपनी गतिविधि द्वारा वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। मेरे पास यहाँ 5x5 के फ्लैश कार्ड हैं, जिन पर मैंने सभी स्वर और व्यंजन लिख लिए हैं। इन फ्लैश कार्ड की सहायता से वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। पहला शब्द है मोर। जैसा कि आप देख सकते हैं, माँ में ओ की मात्रा लगी है और र के साथ कोई मात्रा नहीं है, यानी र के साथ अ का स्वर जुड़ा हुआ है। आइए इस मोर शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा मा, जमा ओ, जमा र, जमा अ। ये बन गया मोर। अब हमारा दूसरा शब्द है पूजा। प में बड़े ऊ की मात्रा और ज में आ की मात्रा। तो सबसे पहले आएगा प, जमा ऊ, जमा ज, जमा आ। बन गया पूजा। अगला शब्द है चीकू। ज में बड़ी की मात्रा और क में बड़े ऊ की मात्रा। च, जमा ई, जमा क, जमा ऊ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी स्वरों को व्यंजनों से अलग करके लिखा है। आप इसी तरह फ्लैश कार्ड बनाकर वर्ण विच्छेद सीख सकते हैं। धन्यवाद।